और जैकॉब भरपूर एक्शन में इस वक्त आपको नजर आएगा, 2% के आसपास की मजबूती है इस स्टॉक में और लगातार एक्शन में। और दीप, हमने दो दिन पहले क्लोजिंग शो में 132 के लेवल पर आपने कहा था, बिल्कुल। और ये स्टॉक ऐसा है जो आपको 150-175 रुपए की रेंज के लिए होल्ड करना भी चाहिए, मजबूती के साथ बढ़ रहा है आगे। आपके दो टारगेट्स आ गए हैं इसमें, 135 और 140 के टारगेट। अच्छा, दो आ चुके हैं, फिर भी होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार जैकॉब, जरा सुमित जी चार्ट देखिए इसके। अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करें। पिछले 3 दिनों में स्टॉक नीचे से 15 रुपए का मूव दिखा चुका है और अभी और भी ऊपर का मूव दिखाएगा। 140 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा जैकॉब के अंदर, तो स्टॉक और रैली पकड़ेगा और फिर ऊपर में 150 रुपए से लेके 155 रुपए तक का मूव शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में अभी सपोर्ट दिखाई दे रहा है 131-132 के आसपास का बनेगा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा 150-155 के टारगेट के लिए। 155 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आप यहां पर जैकॉब बढ़िया बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाता हुआ दिख रहा है।